हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का मेहमान इनर सिंह के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। रेनल सिस्टम के अंदर अपन आज डिसऑर्डर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का पार्ट होता है, इम्पोर्टेंट है। तो अपन शुरुआत करेंगे यहाँ पर नेफ्रॉन की जो फर्स्ट स्ट्रक्चर होती है ग्लोमेरुलस, वहीं से स्टार्ट करेंगे। उसी का डिसऑर्डर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और एंड पार्ट जो एक्सक्रेटरी सिस्टम का होता है यूरेथ्रा, वहाँ तक भी अपन कंसिडर करने की कोशिश करेंगे। वहाँ तक मतलब ले जाएंगे पूरा का पूरा ऑल ओवर आपको रेनल सिस्टम से रिलेटेड। और इसके अंदर आपको एक चीज़ और मिलेगी, ब्लड के अंदर भी मिल सकती थी आपको, लेकिन इस एक सिस्टम के अंदर ही हमने पुट किया डायलिसिस, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस, और दोनों ही चीज़ें आपको रेनल सिस्टम के अंदर मिल जाएगी। तो जल्दी से जल्दी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उन बच्चों तक क्लास को ज़रूर पहुँचाएं जिनके पास अभी तक इस क्लास का नोटिफिकेशन नहीं पहुँचा है। आज की हमारी जो पहली डिजीज है, डिसऑर्डर है, वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी ग्लोमेरुलस। जो कल अपन पिछली क्लासों में अपन ने डिस्कस किया एनाटॉमी फिजियोलॉजी, उसमें ग्लोमेरुलस सबने पढ़ा ही होगा। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, अब दो चीज़ें हैं इसके अंदर, नेफ्रॉन प्लस ग्लोमेरुलो। तो ग्लोमेरुलस है नेफ्रॉन का पार्ट, उसके अंदर इंफ्लामेशन हो सकता है या पूरे नेफ्रॉन में इंफ्लामेशन या इन्फेक्शन हो सकता है। एक तो पर्टिकुलर पार्ट ग्लोमेरुलस में हो सकता है और एक पूरा के पूरे नेफ्रॉन में हो सकता है। दो कंडीशन इसके अंदर बनती है। तो पढ़ते हैं अपन इंफ्लामेशन इनटू ग्लोमेरुलस एंड नेफ्रॉन, दोनों में से देखो ग्लोमेरुलस में भी हो सकता है इंफ्लामेशन और पूरे नेफ्रॉन के अंदर भी इंफ्लामेशन फैल सकता है या इन्फेक्शन फैल सकता है। तो यह कंडीशन क्या कहलाती है अपने पास में आती है, जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। एक्यूट प्राइमरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आफ्टर 21 डेज डेवलप क्रॉनिक फेज। अब अगर मान लो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है वो प्राइमरी कंडीशन में है, एक्यूट कंडीशन में है, मतलब अभी भी जस्ट हुआ है, तो 21 डेज तक अपन ने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया या उसको ट्रीट करने की कोशिश नहीं की, तो 21 डे के बाद में ये क्या होगा, क्रॉनिक में चेंज हो जाएगा कि क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, और पूरे नेफ्रॉन को भी ये कवर कर लेगा। कॉजेज क्या है इसका, मोस्ट कॉमन कॉजेज क्या है इसका, ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। लंबा नाम है लेकिन इजी है, बिल्कुल इजी है, ये नाम सबको याद हो जाएगा, ऐसा ही करता हूँ मैं। तो ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। मैनेजमेंट की बात करें तो सिंपल से है मैनेजमेंट भी, एंटीबायोटिक देनी है पेनिसिलिन, G7 ग्रुप की आती है वही देनी है अपन को, सॉरी जी पेनिसिलिन जो जी टाइप की आती है वही देनी है अपन को, और 7 से लेकर 10 डेज देनी है और वो भी IV देनी है। किस तरह से देनी है अपन को पेनिसिलिन, कौन सी देनी है, जी वाली, ठीक है, और वो भी कितने दिन, 7 to 10 डे, और वो भी IV रूट है इसका पेनिसिलिन का, एंटीबायोटिक के रूप में अपन को देनी है क्योंकि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुआ है पेशेंट को। देन पेनिसिलिन वी, और वी अपन किसके लिए यूज़ करते हैं, माउथ से देने के लिए, अगर टेबलेट फॉर्म में होती है पेनिसिलिन वी याद रहेगा सबको। देन पाइलोनेफ्राइटिस, इंफ्लामेशन इनटू रिनल पेल्विस, रिनल जो पेल्विस होता है वहाँ पे इन्फेक्शन या इंफ्लामेशन हो जाता है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, पाइलोनेफ्राइटिस। अब देखो पाइलोनेफ्राइटिस क्या होता है, नेफ्रॉन का जो एंड पार्ट होता है और यूरेटर का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, रीनल पेल्विस, ठीक है, ये रीनल पेल्विस है, इस वाले पार्ट में यहाँ पे इन्फेक्शन या इंफ्लामेशन हो जाता है। ई कोलाई जो होता है बैक्टीरिया वो मोस्ट कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है पाइलोनेफ्राइटिस का, और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। तो दोनों ही याद रहेंगे ऐसा ही करता हूँ मैं, और याद अगर नहीं होते हैं तो आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हो। दोनों ही डिजीज़ में से दो क्वेश्चन ही मतलब बन सकते हैं, ये स्ट्रेप्टोकोकस
बैक्टीरिया से रिलेटेड ग्रुप है, बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से रिलेटेड, और ई कोलाई से रिलेटेड। और ई कोलाई और भी बहुत सारे जो इंटेस्टाइनल ट्रैक के जो इन्फेक्शन है वहाँ पर भी ई कोलाई रेस्पॉन्सिबल होता है। इसका ट्रीटमेंट है सिप्रोफ्लोक्सासिन प्लस सेप्ट्रेक्जोन। सेप्ट्रेक्जोन जो इंजेक्शन आता है या सिप्रोफ्लोक्सासिन जो इन्फ्यूजन आता है वो अपन दे के इस बीमारी को ट्रीट कर सकते हैं, पाइलोनेफ्राइटिस को। रीनल स्टोन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, थोड़ा लंबा है टॉपिक का। रीनल स्टोन क्या होता है और ये प्रॉब्लम अधिकतर देखी गई है, मोस्ट कॉमन देखने को भी मिलती है, और इसी को अपन बोलते हैं नेफ्रोलिथियसिस। जिस प्रकार से कोलीलिथियसिस यानी गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन होता है उसको क्या बोलते हैं, कोलीलिथियसिस। उसी प्रकार से रीनल या किडनी के अंदर जो स्टोन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, नेफ्रोलिथियसिस। और यह स्टोन कहीं पर भी हो सकता है किडनी के अंदर, जैसा कि आपको एक इमेज के अंदर बता रहा हूँ मैं। इमेज में देखें अगर अपन तो इस प्रकार से देख सकते हो आप, किडनी के अंदर स्टोन बने हुए हैं। पहली पिक्चर नॉर्मल है, सेकंड वाली पिक्चर के अंदर स्टोन है, तो वो कहीं पर भी हो सकता है। और यहाँ पे रीनल स्टोन पेल्विस वाले एरिया में बताया गया है, रीनल पेल्विस वाले एरिया में स्टोन फॉर्मेशन इनटू किडनी, किडनी के अंदर स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है। और कंडीशन क्या कहलाती है, रीनल स्टोन। टाइप्स की बात करें तो बहुत सारे टाइप के होते हैं रीनल स्टोन। पहला है एल्कलिन स्टोन, और इसके अंदर अपन पढ़ते हैं कैल्शियम ऑक्सीलेट स्टोन, जिसको मलबेरी स्टोन भी बोला जाता है। सारे अपन डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके, वापस डिटेल में पढ़ेंगे इसको, इन सब को। तो जो कैल्शियम ऑक्सीलेट स्टोन होता है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, मोस्ट कॉमन होता है कैल्शियम ऑक्सीलेट स्टोन, और वो भी 80% के लगभग यहाँ पे पाया जाता है। कितना, 80%, 80% यहाँ पे सबसे ज़्यादा कैल्शियम ऑक्सीलेट वाला स्टोन पाया जाता है। इसीलिए अगर रीनल स्टोन का कोई पेशेंट अपने पास में आता है तो अपन उसको कैल्शियम की टेबलेट प्रेफर नहीं कर सकते हैं, कैल्शियम उसको अवॉइड करवाना है कुल मिला के, क्योंकि कैल्शियम क्या होगा वहाँ पे डिपोजिशन होगा और स्टोन को यहाँ पे बड़ा करने में रोल प्ले करेगा। तो मलबेरी स्टोन भी बोल सकते हैं इसको, कैल्शियम प्लस यूरिन। और सुपर सेचुरेशन ऑफ कैल्शियम एंड कलेक्ट इन वन प्लेस, ये क्या होगा, सुपर सेचुरेशन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का सुपर सेचुरेशन होगा, अधिक से अधिक सेचुरेशन होगा, और यह क्या होगा एक जगह पर इकट्ठा हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा एक जगह पे। कॉन्ट्राइंडिकेटेड कैल्शियम इन रीनल स्टोन, अभी जो मैंने बात बताई वही बात है कि रीनल स्टोन का जब पेशेंट आता है अपने पास में तो वहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है, अपन नहीं दे सकते उस पेशेंट को, यहाँ पे कैल्शियम नहीं दे सकते रीनल स्टोन वाले पेशेंट को। देन किडनी स्टोन, अभी जस्ट अपन ने देखा था कि किडनी में स्टोन कहाँ कहाँ हो सकता है, तो यहाँ पे बता रखा है किडनी स्टोन है। देन अपन देखे कैल्शियम फॉस्फेट रीनल स्टोन, तो आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, पहले इस पिक्चर पर ध्यान दें, ये जो दिख रहा है आपको ये किसका एग्जाम्पल है, कैल्शियम स्टोन का, कैल्शियम से बना हुआ स्टोन है वो इस प्रकार से आपको दिखता है। किस प्रकार से दिखता है, कैल्शियम स्टोन इस प्रकार से। तो कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन की बात करें तो स्टेज हॉर्न स्टोन भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेज हॉर्न स्टोन। ये 5 से लेकर 10% पाया जाता है, 5 से लेकर 10% तक ये पाया जाता है। और फिर आता है तीसरे नंबर का स्ट्रोवाइट स्टोन, स्ट्रोवाइट या ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन, इसका एग्जांपल आप सभी के सामने अभी दे रखा है नीचे एक यहाँ पे, ये रहा स्ट्रोवाइट स्टोन, स्ट्रोवाइट स्टोन इस प्रकार से दिखता है, यह ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन होता है, इसको दूसरा नाम क्या है, ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन। MgSO4 यानी मैग्नीशियम सल्फेट प्लस NH4 कॉज्ड बाई यूरिया स्प्लिटिंग बैक्टीरिया मोर कॉमन वुमन देन मैन बिकॉज ऑफ UTI, मतलब यह सबसे ज़्यादा मोर कॉमन यानी सबसे ज़्यादा होता है, कॉमनली देखा जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है वुमन के अंदर। क्यों, क्योंकि UTI होने के चांस वुमन में ज़्यादा होते हैं, और यह एस्ट्रोवाइड जो स्टोन है ये वुमन के अंदर ही सबसे ज़्यादा देखा जाता है।
अब है एसिडिक स्टोन। एसिडिक स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन भी अपन इसको कंसिडर करते हैं। तो इसके अंदर अपन बोल सकते हैं सिस्टिन स्टोन, पहला है सिस्टिन स्टोन, 10 से 15% यह पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 10 से 15% यह पाया जाता है सिस्टिन स्टोन। ये सिस्टिन स्टोन है, ये रहा। बाई सिस्टिन क्रिस्टल फॉर्मेशन, और सिस्टिन के द्वारा ये क्रिस्टल फॉर्मेशन में हो जाएगा, मतलब गुच्छे के रूप में अपनी आकृति ले लेगा। फिर आता है यूरिक एसिड, ये भी 5 से लेकर 10% ही पाया जाता है। ऊपर वाला 10 से 15% पाया जाता है, और ये 5 से 10% पाया जाता है। बाई एक्सेस डाइट्री बाई यूरिन आउटपुट, एक्सेसिव जब डाइट्री लेंगे लेगा पेशेंट, और पाई यूरिन है जो उसका आउटपुट ज़्यादा होगा, तो उसकी वजह से भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। देन अपने पास में आती है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्राइप्सी। जब भी स्टोन होता है पेशेंट को, तब तो अपन क्या करते हैं? लिथोट्राइप्सी करते हैं। अब लिथोट्राइप्सी का भी एक अलग अलग टाइप है, दो तरह से होती है। तो अपन पहला पढ़ेंगे यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव। अब शॉक वेव का मतलब एक प्रकार की आपको वेव दिख रही होगी, इसको अपन बोल सकते हैं बिना चीर फाड़ वाला ऑपरेशन। सुना भी होगा सबने ये, इस प्रकार से लिथोट्राइप्सी किया जाता है। मतलब एक वेव होती है शॉक वेव, वो क्या करती है, जो किडनी स्टोन होता है रेनल स्टोन, उसको स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट में बांट देती है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है, और फिर यूरिन के द्वारा वह बाहर निकल जाता है, और ये बिना चीरफाड़ वाला ऑपरेशन होता है। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्राइप्सी, बिना चीर फाड़ वाला पत्रिका ऑपरेशन, इसको अपन हिंदी में इस प्रकार से भी कंसिडर कर सकते हैं। ब्रेक डाउन स्टोन बाई रेज, अब रेज के द्वारा इसके अंदर स्टोन को ब्रेक डाउन किया जाता है। किसके द्वारा? रेज के द्वारा। इफ स्टोन लेस देन 2.5 सेंटीमीटर, अगर 2.5 सेंटीमीटर से भी स्टोन कम है, तो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्राइप्सी किया जाता है। और इफ इट इज नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर, और नॉन इन्वेजिव का अर्थ होता है कहीं पर भी अपन को चीर फाड़ नहीं करनी पड़ती है, कहीं भी सुई नहीं चुभनी पड़ती है, इन्वेजिव है कुल मिलाकर, नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है, इन्वेजिव नहीं है। तो यहाँ तक आया समझ में सभी को? ये बिल्कुल सिंपल सा है, बिना चीर फाड़ वाला ऑपरेशन है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल यानी एक तो होता है इंट्रा, इंट्रा यानी अंदर की तरफ, और एक्स्ट्रा यानी बाहर की तरफ, आउटर की तरफ। तो बाहर से ही यह ऑपरेशन किया जाता है कुल मिला के। तो ये बिना चीरफाड़ वाला पत्रिका ऑपरेशन होता है लिथोट्राइप्सी। ये इस प्रकार से किया जाता है लिथोट्राइप्सी, आपको एक इमेज में दिखाया मैंने, इस प्रकार से मशीन लगी हुई है रेज वाली मशीन, और ये रेज जब भी डिलीवर होती है तो पेशेंट को प्रोन पोजिशन में लेटाया जाता है। देख सकते हैं आप, प्रोन पोजिशन में लेटाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर सुपाइन पोजिशन में अपन लेटाते हैं, तो इसका एक रीज़न है कि अगर अपन ने सुपाइन पोजिशन पेशेंट को लेटा दिया, तो वो क्या करेगा, आपके जो ऊपर वाले जो ऑर्गन हैं, जैसे लेवर हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन हुआ, आपका स्टोमक वाला एरिया हुआ, आपका स्प्लीन वाला एरिया हुआ, उनको भी यहाँ पे रेज कवर कर सकती है और उनको डैमेज करने का काम कर सकती है। तो इसलिए अपन इस पेशेंट को कौन सी पोजीशन देंगे? क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेरिटोनियल ना तो कैविटी होती है ना कोई, क्योंकि यह तो बिहाइंड होता है, बिहाइंड द पेरिटोनियल कैविटी लोकेटेड होता है किडनी, और अपन को किडनी में से ही यह प्रोसीजर करना है। तो किडनी यहाँ पे पीछे की तरफ ही होती है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोन पोजीशन में लेटा देंगे, और अपन आसानी से यह प्रोसीजर कर सकते हैं। देन इसके बाद में अपने पास में आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट एक वीडियो है मेरे पास में, छोटा सा वीडियो है, इसमें रेज डिलीवर भी की जाएगी और स्टोन किस प्रकार से टूटता है वो सारी की सारी चीज़ें दे रखी है। तो आप देखने की कोशिश करें और इसको समझें। वीडियो ऑन करता हूँ मैं। ये इस प्रकार से रेज डिलीवर होगी, ये सबसे पहले जो स्टोन होगा वो 2 फ्रेगमेंट में यहाँ पे डिवाइड होगा, फिर 4 फ्रेगमेंट में, और इस प्रकार से छोटे छोटे टुकड़ों में, ये इस प्रकार से होता है, देखा आपने।
ये इस प्रकार से ये यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाता है। ये देखिए, अब देखिए बहुत ही स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट में, और ये पूरा का पूरा स्टोन बाहर। ये इतना सा प्रोसेसर है। पोजीशन कौन सी है लिथोट्राइप से, मैं पोजीशन कौन सी देते हैं पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में। और पोजीशन कौन सी है, प्रोन पोजीशन है, सुपाइन नहीं दे सकते हैं क्योंकि ऑर्गन डैमेज का रिस्क रहता है, अदर ऑर्गन डैमेज का। देन परक्यूटेनियस लिथोट्राइप्सी, एक लिथोट्राइप्सी और होती है परक्यूटेनियस। परक्यूटेनियस का मतलब होता है अपन बाहर से कुछ नेफ्रो जो स्कोप होता है, नेफ्रोस्कोप, उसके द्वारा इन्वेजिव प्रोसेसर होता है ये एक प्रकार का। बाहर से अपन छेद के अंदर की तरफ डालते हैं और फिर यह लिथोट्राइप्सी किया जाता है। इसमें भी वही है, लिथोट्राइप्सी का अर्थ यही होता है कि स्टोन को यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। तो अब ये किस प्रकार से करेगा तो देखते हैं। ये भी अगर स्टोन ज़्यादा बड़ा है, मतलब मोर देन 2.5 सेंटीमीटर से भी अबव है, तो अपन क्या करते हैं, परक्यूटेनियस लिथोट्राइप्सी करते हैं पेशेंट की। और परक्यूटेनियस लिथोट्राइप्सी बाई नेफ्रोस्कोप, ये किसके द्वारा की जाती है, बाई नेफ्रोस्कोप के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, नेफ्रोस्कोप के द्वारा। तो आया समझ में सभी को, इम्पोर्टेंट है। एक और वीडियो है परक्यूटेनियस लिथोट्राइप्सी का, तो आप देखें ये भी समझे ये किस प्रकार से की जाती है। ये भी एक प्रकार का, ये एक प्रकार का सर्जिकल और इन्वेजिव प्रोसीजर है, ठीक है। ये इस प्रकार से किडनी होती है, किडनी है, स्टोन भी फंसा हुआ है, आपको ही पता है, देख दिख रहा है 2.5 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा है। और ये यूरिन बिल्कुल ब्लॉक है, यूरिन बिल्कुल आ ही नहीं रहा है। तो अपन यहाँ से एक पुट करेंगे डिवाइस, ये क्या है, कैथेटर है, कैथेटर लगा दिया अपन ने, बैलून फुला दिया। इस प्रकार से प्रोसेसर किया जाता है। और एक्सरे की, सॉरी यूएसजी की मदद से अपन देखते भी रहते हैं प्रॉपरली। और ये इस प्रकार से बाहर से इन्वेजिव करके, किडनी के अंदर ही छेद किया जाता है। देख सकते हैं आप किस प्रकार से बिल्कुल छोटा सा ऑपरेशन होता है, ये इस प्रकार से खींच लिया जाता है, ये इस प्रकार से इसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट में बांटा जाता है और इनको कलेक्ट कर लिया जाता है। पूरा कलेक्ट करने के बाद में ये, और ये वापस रिमूव किया जाता है, डिवाइस है नेफ्रोस्कोप, वो वापस रिमूव किया जाता है, वापस स्टिचिंग कर दी जाती है और ये नॉर्मल फ्लो यूरिन का वापस अपने लेवल पे आ जाता है। इस तरह से यह ऑपरेशन कंडक्ट किया जाता है लिथोट्राइप्सी परक्यूटेनियस से। यहाँ पे एक ट्यूब भी बिठाई जाती है ताकि स्टोन बने तो भी उस ट्यूब को यहाँ पे कुछ नहीं, नुकसान नहीं पहुँचा। एक अंदर की तरफ आर्टिफिशियल ट्यूब ही डाल दी जाती है कुल मिलाकर। आर्टिफिशियल ट्यूब से क्या होगा, छोटी सी हल्की सी ट्यूब होती है, तो उस ट्यूब से क्या होगा, यूरिन होगा सारा का सारा निकल जाएगा। अगर स्टोन बनने का भी है तो ट्यूब के अंदर नहीं बनेगा डायरेक्ट। तो ये वाली कंडीशन, ये परक्यूटेनियस लिथोट्राइप्सी होती है, ये इन्वेजिव प्रोसीजर होता है कुल मिला के। अब है, अब अपने पास में आता है, क्या आता है,
यूटेरोस्कोपी। यूटेरोस्कोपी कब की जाती है? जब यूरेटर के अंदर, यूरेटरोस्कोपी बोलते हैं इसको, तो ये यूरिनरी जो, सॉरी, यूरेटर होता है वहाँ पर अगर स्टोन फॉर्मेशन होता है तो अपन यूटेरोस्कोपी करते हैं। तो ये वाली जो यूटेरोस्कोपी है आपको दिखा रखी है, सिंपल सा प्रोसीजर है। तो वाया अपन किस रूट से अपन देंगे? ये पेनिस वाले एरिया से, या वेजाइनल वाले, या यूरिथ्रल वाले रूट से, या फीमेल के अंदर जो यूरिथ्रा होता है उसके रूट से अपन दे सकते हैं। और ये इस प्रकार से प्रोसीजर कंडक्ट किया जाता है यूटेरोस्कोपी। फिर आता है PKD, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। इसके अंदर क्या होगा, कैंसर्स टाइप किडनी हो जाएगी। पहले जो किडनी दिख रही है आपको बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन सेकंड वाली, पहले जो नॉर्मल है वो सेकंड वाली अगर आप देखोगे तो इस प्रकार से पॉलीसिस्ट बन जाएगी अंदर। क्या बनेगी? सिस्ट। इसीलिए पॉली यानी ज़्यादा, ओलिगो यानी कम, तो पॉली यानी ज़्यादा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सिस्ट बनेगी, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। ये बहुत ही मतलब खतरनाक डिजीज़ है, तो इट इज़ पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। इट इज़ ए जेनेटिक डिसऑर्डर। ये एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है, जन्मजात प्रेजेंट होता है। डेट कॉजेज न्यूमरस सिस्ट टू ग्रो इन किडनी। न्यूमरस यानी नंबर में बहुत ही ज़्यादा होगी, और वो कहाँ ग्रो करेगी? किडनी के अंदर। ए जीन म्यूटेशन और डिफेक्ट कॉजेज पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। एक जीन होगा, जीन का म्यूटेशन होगा और डिफेक्ट कॉज करेगा, और ये पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो जाएगी। देन इनफंटाइल पॉलीसिस्टिक डिजीज, ऑटोसोमल रिसेसिव अपन इसको बोलते हैं, कैन बी पास्ड डाउन थ्रू फैमिलीज। ये फैमिली के द्वारा हो सकती है। टू कॉपीज ऑफ एन एबनॉर्मल जीन मस्ट बी प्रेजेंट इन ट्रेट टू डेवलप। और एडल्ट पॉलीसिस्टिक डिजीज ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है। ये क्या करती है? मोस्ट कॉमन ऑफ PKD, ये सबसे ज़्यादा PKD करने का काम करती है, और मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड डिसऑर्डर ऑफ किडनी होता है ये। और इफ़ यू इनहेरिटेड एबनॉर्मल जीन फ्रॉम ओनली वन पेरेंट यू कैन गेट डिजीज। और अगर फैमिली में एबनॉर्मल जीन है और ओनली एक पेरेंट है, एक पेरेंट ही है, मतलब दोनों नहीं है, एक ही है, तो भी आपको ये डिजीज़ हो सकती है। और अगर दोनों ही पेरेंट, मम्मी और पापा दोनों ही है, तो भी हो सकती है। अब आता है BPH, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है BPH, और BPH की शिकायत जब भी होती है, यूरिन पास आउट यहाँ पे कम हो जाता है। यूरिन जो है वो यहाँ पे ओलिगो यूरिया या एन यूरिया वाली कंडीशन अपन को देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि जो तो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया क्या होता है कि यूरिथ्रल वाला जो रूट होता है, यूरिथ्रल वाला जो रूट होता है दिख रहा होगा आपको, तो वहाँ पे क्या होता है, दोनों ही तरफ एक प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये इस प्रकार से होती है, प्रोस्टेट बनते हैं, तो दोनों ही तरफ प्रोस्टेट होते हैं। वो क्या करते हैं, एनलार्ज प्रोस्टेट, अगर इन्फेक्शन हो गया उनके अंदर और एनलार्ज हो गया, तो वो क्या कर देंगे, एनलार्ज होने के बाद में क्या करते हैं, ब्लॉकेज यूरिन फ्लो, यूरिन का जो फ्लो है ये बिल्कुल ब्लॉकेज कर देंगे। ये वाली नली जो दिख रही है आपको, ये ब्लॉकेज हो जाएगी और यूरिन आउटपुट नहीं होगा पेशेंट का। तो BPH यानी बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, या प्रोस्टेट ग्लैंड होती है पेल्विक कैविटी के अंदर, और कंसिस्ट ऑफ 20 से लेके 30 सेपरेट ग्लैंड। ये 20 से 30 सेपरेट ग्लैंड से बनी होती है, और वेट होता है 16 ग्राम। ओपन इन यूरिथ्रा, यूरिथ्रा में यह ओपन होती है। देन इट इज ए स्मॉल ऑर्गन, छोटा ऑर्गन होता है, अबाउट द साइज ऑफ वेट नट, अखरोट के साइज का ऑर्गन होता है, अखरोट साइज की ग्लैंड ही होती है बस, ओनली फॉर, इससे बड़ी नहीं होती है। फ्रंट ऑफ रेक्टम, रेक्टम के फ्रंट में, और बिहाइंड द सिम्पाइसिस प्यूबिस। तो रेक्टम है, रेक्टम के तो बिल्कुल जस्ट आगे की तरफ होगी, और सिम्पाइसिस प्यूबिस होता है उसके जस्ट पीछे की तरफ। डिफाइन हाइपरप्लेजिया क्या होता है कि इट इज़ ए स्लो इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड,
विद हाइपरट्रॉफी एंड नॉर्मल टिश्यू, नॉर्मल जो टिश्यू होगा उसका हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, मतलब ये एक प्रकार का कैंसर नहीं है लेकिन ये इनलार्ज हो जाएगा, प्रोस्टेट है वो इनलार्ज हो जाएगा। नॉर्मल सेल, नॉर्मल टिश्यू बता रखा है, बिनाइन या मैलिग्नेंट नहीं बता रखा है। मैलिग्नेंट या बिनाइन बताते तो अपन ऑन्कोलॉजी में घुस सकते थे, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल टिश्यू है, नॉर्मल टिश्यू की ग्रोथ हो रही है बस, ओनली फॉर। देन मोस्ट कॉमन अकर इन सेंट्रल पेरियूरिथ्रल जोन ऑफ प्रोस्टेट। मोस्ट कॉमन अकर ये कहाँ होगा, जोन ऑफ प्रोस्टेट पेरियूरिथ्रल रूट में ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, सेंट्रल पेरियूरिथ्रल। और लेट साइन ऑफ बीपीएच, ड्रिबलिंग और लीकिंग आफ्टर यूरिनेशन। यूरिन के बाद में क्या होगा, यूरिनेशन के बाद में क्या होगा, ड्रिबलिंग होगा और लीकिंग होगा। लीकिंग का अर्थ होता है यहाँ पर रुक रुक के यूरिन आएगा, हल्का हल्का यूरिन आएगा। और अर्ली साइन ऑफ बीपीएच, डिक्रीज फोर्स ऑफ यूरिन, फोर्स ऑफ यूरिन यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा, यूरिन आउटपुट करने का जो फोर्स होता है वो चला जाएगा। ऑब्स्ट्रक्टिव एंड इरिटेटिव सिम्टम ऑफ बीपीएच, तो प्रोस्टाटिज्म यानी इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, नॉक्चूरिया, अर्जेंसी और ड्रिबलिंग, ये सारी की सारी कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएगी। तो बीपीएच के अंदर कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलेगा, इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन यहाँ पे ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि जब नॉर्मली जो आएगा यूरिन वो कम आएगा और अंदर इकट्ठा होगा, अंदर इकट्ठा होगा नोकचूरिया वाली कंडीशन यानी रात को भी आएगा यूरिन, और अर्जेंसी आएगा तो कभी कभी एकदम से आएगा और थोड़ा थोड़ा आके रुक जाएगा और ड्रिबलिंग में आएगा। और डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन की बात करें तो फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर अगर बात करें तो ए राउंडेड स्वेलिंग अबव प्यूबिस, ये क्या होगा, राउंडेड स्वेलिंग होगी अबव द प्यूबिस, प्यूबिस के ऊपर। बेस्ट मेथड टू फाइंड आउट ब्लैडर डिस्टेंशन, ब्लैडर डिस्टेंशन को फाइंड आउट करने का बेस्ट मेथड होता है फिजिकल एग्जामिनेशन में। और PSA यानी प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ये लेस देन 4.0 नैनोग्राम पर ml होता है नॉर्मल। अब है TURP अपन करते हैं किसके अंदर, प्रोस्टेटिक ये जो हाइपरप्लेजिया होता है बिनाइन, सॉरी बीपीएच वाली जो कंडीशन होती है इसके अंदर TURP करते हैं, यानी ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट। इसके अंदर क्या किया जाता है, रिसेक्टोस्कोप के द्वारा, रिसेक्टोस्कोप इस प्रकार का होता है जो आपको इमेज में दिख रहा होगा, रिसेक्टोस्कोप, इसके द्वारा प्रोस्टेट जो टिश्यू होते हैं उनको रिमूव किया जाता है, जिसकी एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है उनको रिमूव किया जाता है। स्मॉल सा प्रोसीजर है और इसको अपन क्या करते हैं, यूरिनरी जो रूट है उसको वापस ओपन करते हैं। तो यहाँ पे एक वीडियो है आप सभी के सामने, TURP से रिलेटेड है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है वीडियो, बिल्कुल पूरा देखना वीडियो, उनको बिल्कुल समझ में आएगा, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा एक बार। TURP क्या होती है, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, प्रोस्टेट दिख रहा है आपको, ब्लैडर दिखा आपको, प्रोस्टेट दिखा, नीचे की तरफ प्रोस्टेट होती है ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन ग्रंथि अलग है, वो अलग है, वो अलग है, देखना प्रोस्टेट अलग है, प्रोस्टेट आगे की तरफ होता है हल्का सा, ये यूरिन है, ये यूरिन इस प्रकार से ब्लैडर के अंदर होता है। बिफोर द प्रोसीजर यानी प्रोसीजर के पहले IV पेन मेडिकेशन एंड सेडेटिव, एंटीबायोटिक देनी है, जनरल एंड स्पाइनल एनेस्थीसिया देना है, जनरल एनेस्थीसिया या स्पाइनल, ब्रीथिंग ट्यूब ऑफ जनरल एनेस्थीसिया और स्पाइनल एनेस्थीसिया टू नंब लोअर बॉडी, लोअर बॉडी को
नंब करने के लिए यानी सुन करने के लिए, वही एनेस्थेसिया इफेक्ट में लाने के लिए। एनेस्थेसिया देने के बाद में अपन यहाँ पे पेनिस के थ्रू एक डिवाइस पुट करेंगे अंदर की तरफ, और यूरिन को पूरा का पूरा यहाँ पे बाहर निकालेंगे। और फिर क्या करेंगे, ये कैमरा है एक प्रकार का, और ये इस प्रकार से ये टिश्यू को रिमूव करेंगे। ये दिख रहा है प्रोसीजर, सिंपल सा प्रोसीजर है, ये इस प्रकार से रिमूव करेंगे। कैमरा है छोटा सा, लेप्रोस्कोपी टाइप का प्रोसीजर है ये एक प्रकार का। आफ्टर द प्रोसीजर, प्रोसीजर के बाद में मॉनिटर्ड रिकवरी एरिया, रिकवरी एरिया, फिर पेन मेडिकेशन दे सकते हैं अपन को अगर पेन हो रहा है पेशेंट को तो, और एंटीबायोटिक दे सकते हैं पेशेंट को, देनी चाहिए, और स्टेराइल सॉल्यूशन देना है। जैसा कि आप लोग समझ सकते हो नॉर्मल स्लाइन वगैरह, और रिलीज फ्रॉम हॉस्पिटल विद इन 2 डे, 2 दिन के बाद में उसके छुट्टी कर सकते हैं हॉस्पिटल से। तो ये प्रोसीजर था आप सभी के सामने, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसीजर TURP, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन प्रोस्टेट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूज असेप्टिक टेक्निक व्हेन इरिगेटिंग द कैथेटर, कैथेटर को इरिगेट करते समय यहाँ पे असेप्टिक टेक्निक यूज करनी है, और ग्लाइसरल सॉल्यूशन ऑफ चॉइस फॉर ब्लैडर इरिगेशन, ब्लैडर इरिगेशन के लिए ग्लाइसरल सॉल्यूशन यूज करना है। अंडरगोन TURP पे है पेशेंट अगर तो डिसकंटिन्यू द पोलिस कैथेटर एज प्रिस्क्राइब यूजुअली 24 से लेकर 48 आवर आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के बाद में 24 से 48 घंटे के बाद में पोलिस कैथेटर को डिसकंटिन्यू करना है। कॉल द डॉक्टर या फिजिशियन इफ ब्लीडिंग अगर, अगर ब्लीडिंग है तो कॉल द फिजिशियन, अपन को कॉल करना है, अपन को कोई एक्शन नहीं लेना अगर ब्लीडिंग है तो। और इफ दिस इज डिक्रीज इन यूरिनरी स्ट्रीम, यूरिनरी अगर स्ट्रीम डिक्रीज है यूरिनरी, फिर भी यहाँ पे पास आउट नहीं हो रहा है, फिर भी अपन को डॉक्टर को यहाँ पे बुलाना है और उन्हीं से सलाह लेनी है। देन छोटा सा है एक डिजीज और है UTI, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, तो इट इज़ द सेकंड मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन आफ्टर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। क्वेश्चन बनता है एग्जाम का कि मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन कौन सा है, तो आपको लिखना है रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, और उसके बाद में सेकंड मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन कौन सा है, तो आपको लिखना है UTI यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, रेस्पिरेटरी, देन यूरिनरी, और एक्सटेंड फ्रॉम रीनल कॉर्टेक्स टू किडनी टू यूरेथ्रल मीटियस, यानी रीनल कॉर्टेक्स से किडनी और किडनी से यूरेथ्रल वाले एरिया में यह हो सकता है। बाय यूरेथ्रा स्प्रेड इन्फेक्शन असेंडिंग स्प्रेड, असेंडिंग यानी ऊपर की तरफ स्प्रेड होता है, यूरेथ्रा वाले रूट से नीचे से वो क्या जाएगा ब्लैडर में, ब्लैडर से यूरेटर, यूरेटर से वापस किडनी में जाएगा, यूँ इस प्रकार से हो सकता है। और ब्लड के द्वारा डिसेंडिंग स्प्रेड, ब्लड अगर यूरेथ्रल रूट से अगर एनवायरनमेंट से वगैरह इन्फेक्शन एंटर कर रहा है तो असेंडिंग स्प्रेड होगा, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा। और ब्लड के द्वारा होता हो रहा है तो ग्लोमेरुलस से लेके वर्ड DCT, फिर लूप ऑफ हेनले, फिर PCT लूप ऑफ हेनले और DCT में आएगा, फिर कलेक्टिंग ट्रैक में आएगा, रीनल पेल्विस, इस प्रकार से होता है यूरेटर, यूरेटर से यहाँ पे ब्लैडर, ब्लैडर से यहाँ पे यूरिथ्रल, वो डिसेंडिंग स्प्रेड होगा, नीचे की तरफ स्प्रेड होगा। मोर कॉमन इन फीमेल, ये फीमेल में सबसे ज़्यादा देखा जाता है, मेल देन मेल बिकॉज शॉर्ट यूरिथ्रा, यूरिथ्रा के शॉर्ट होने के कारण सबसे ज़्यादा फीमेल में देखा जाता है। कॉजेज क्या है इसके, सिंपल से है, इशिहारा इस्चेरिचिया कोलाई, इस्चेरिचिया कोलाई ग्राम नेगेटिव बेसिलाई होता है, ये 70 से लेकर ग्राम नेगेटिव बेसिलाई होता है, 70 से लेकर 80% यह पाया जाता है, कितना 70 से लेकर 80% इसकी वजह से होता है। पॉपुलेशन एंड
50% इन नोजोगोमिनल इन्फेक्शन, और 50% पॉपुलेशन को क्या होता है, नोजोगोमिनल इन्फेक्शन होता है। कॉमनेस्ट कॉज ऑफ यूटीआई, यूटीआई का कॉमनेस्ट कॉज होता है नोजोकोमियल इन्फेक्शन। अब नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है, इसको बोलते हैं अपन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। हॉस्पिटल में आने के बाद में यूटीआई होता है, ये मोस्ट कॉमन है, मतलब 50% लोगों को यह होता है। देन मैनेजमेंट क्या है इसका, सिड्स बात या हिप बात भी करा सकते हैं, हिप या सिड्स एक ही बात है। और इसका जो टेम्परेचर होगा सिड्स बात का, वो 110 से लेकर 115 डिग्री फॉरेनहाइट या 43 से लेकर 46 डिग्री सेल्सियस, दोनों ही कंसिडर करते हैं, दोनों ही तापमान से अपन या सिड्स बात करवाते हैं। पानी इतना ही गर्म होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पेरिनियल केयर, पेरिनियल केयर हेमरॉइड वाले पेशेंट, अब ये किस किस में अपन दे सकते हैं सिड्स बात, और भी पेरिनियल केयर करनी है तो उस वाले पेशेंट को भी अपन सिड्स बात दे सकते हैं। देन हेमरॉइड वाले पेशेंट को भी सिड्स बात प्रोवाइड किया जाता है। देन यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है पेशेंट को अगर, तो उसको भी सिड्स बात प्रोवाइड कर सकते हैं। देन ड्यूरेशन, ड्यूरेशन की अगर बात करें तो 15 से लेकर 30 मिनट इसका ड्यूरेशन होता है नॉर्मली। फिर सॉल्यूशन की अगर बात करें तो पोटेशियम परमैंगनेट, पर पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 अपन दे सकते हैं, और इसका रेशियो होता है 1:5000, इसका रेशियो होता है। बोरिक एसिड भी दे सकते हैं 4 ml अपन, योसोल सॉल्यूशन भी दे सकते हैं, विटामिन सी रिड्यूस बैक्टीरियल ग्रोथ, बैक्टीरियल ग्रोथ को रिड्यूस करने के लिए अपन क्या देंगे, विटामिन सी। लेमन जूस दे सकते हैं, ये भी बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रिवेंट करेगा। और एसिड एस डाइट, एसिड एस डाइट अपन दे सकते हैं पेशेंट को, ब्रेड दे सकते हैं, एग दे सकते हैं यानी अंडे दे सकते हैं, टोमेटो यानी टमाटर दे सकते हैं, और मछली, ये जो मीट मटन खाते हैं उनको भी फिश दे सकते हैं, और जो शाकाहारी है उनको यहाँ पे टोमेटो और ब्रेड अपन दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। देन एनाल्जेसिक के बारे में बात करें तो फेनाजोपायरामाइड, इस ये यूज टू ट्रीट क्लाइंट बर्निंग, अगर बर्निंग है पेशेंट और बर्निंग हो रहा है मतलब जलन हो रही है पेशेंट को, और इंक्रीज यूरिनेशन और इंक्रीज अर्ज टू यूरिनेट और टू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्लूड, फ्लूड को एक्सेसिव अमाउंट में देना है पेशेंट को। ब्लैडर ट्रॉमा, अगर ब्लैडर ट्रॉमा वाली कंडीशन है, इट अकर फॉलोइंग ब्लंट, अगर किसी ने ब्लंट मारा है, मुक्का मारा है, तो 15-40% ये देखा जाता है। और पेनिट्रेटिंग इंजरी 60-85% टू लोअर एब्डोमेन कॉजेज कंप्रेशन ऑफ एब्डोमिनल वॉल्व एंड ब्लैडर, यहाँ पे हो सकता है। और पेल्विक फ्रैक्चर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लैडर ट्रॉमा, ब्लैडर ट्रॉमा का यहाँ पे पेल्विक फ्रैक्चर होता है वो मोस्ट कॉमन कॉज होता है। और अब आता है अपने पास में यूरिथराइटिस, यूरिथराइटिस क्या होता है, यूरिथ्रा का इंफ्लामेशन या इन्फेक्शन क्या कहलाता है, यूरिथराइटिस। इंफ्लामेशन ऑफ यूरिथ्रा, यूरिथ्रा का इंफ्लामेशन मेल के अंदर कॉज्ड बाय एसटीडी के द्वारा हो सकता है, या एड्स या सिफिलिस गोनोरिया, एसटीडी जो डिजीज होती है उनके कारण ये होता है, जिसमें आता है एड्स सिफिलिस गोनोरिया कैलमाइडा इन्फेक्शन, ये कैलमाइडा डियल ट्रैकोमेटिस ये वाला बैक्टीरिया होता है उनकी वजह से हो सकता है। और फीमेल के अंदर कॉज्ड बाय परफ्यूम टॉयलेट पेपर, ठीक है, सैनिटरी नैपकिन का यूज़ करने से भी होता है, और स्पर्मिसाइडल जेली इसकी वजह से भी होता है, और यूटीआई की वजह से भी यूरिथराइटिस हो सकता है। ये फीमेल के अंदर कॉज है और ऊपर वाले सारे सारे मेल के अंदर कॉज करते हैं। तक आया समझ में सभी को, देन अपन कल पढ़ेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम। आज की जो हमारी क्लास थी, आज की जो हमारी जर्नी थी वो यहीं तक थी।
क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उन सभी बच्चों तक क्लास को ज़रूर पहुँचाएं जिनके पास अभी तक क्लास का नोटिफिकेशन नहीं पहुँचा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पर, 10:30 बजे का टाइम रहेगा अपनी क्लास का, और नेफ्रोटिक सिंड्रोम अपन यहाँ पर डिस्कस करने आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।